हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम समांतर चतुर्भुज और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की जो वर्कशीट है उसमें दी गई आकृति का अवलोकन करके पता चलता है कि इसके विपरीत भुजाएं तथा कोण जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। आप इसमें कोई और संबंध देख पाते हैं? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आसन्न कोण कौन से कोण हैं, ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। इसी तरह कोण डी और कोण सी जो है एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। दिए गए आकार का एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए। आपको इसी आकार में एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसको तस्वीर के अनुसार नामांकित करना है, जिसके अंदर आपको ए बी सी और डी इसी तरह से कोण जो हैं वो इसमें दिखाने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए और बी को कैंची से काट लेना है और उनको मिला देना है, जैसे समांतर चतुर्भुज के नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। तो इस तरह से आपने ए को काट लिया, आपने बी को काट लिया, तो आप देखोगे कि वो आकृति जो है वो कुछ इस तरह से ये कोण जो है पूरा बन जाता है, जो कि कितना है, 180 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर पूरा बनता है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो आसन्न कोण है उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जो ए डी है, ए डी वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। उसके बाद देखिए आप अन्य आसन्न कोणों का युग्म का योग भी ज्ञात कर सकते हो। तो इसी तरह इसी गतिविधि से आप इन कोणों का, इसी तरह से इनका भी जो है आप योग जो है यहाँ पर निकाल सकते हो। सेकेंड जो गतिविधि आपको दी गई है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण जो बी है वो कोण डी के बराबर होता है, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जो है यहाँ पे क्या है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे। ये क्या है, ए सी हमें यहाँ पे एक विकर्ण जो है वो मिलता है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाती हैं, ए बी सी, और दूसरी जो त्रिभुज बनी है वो बनी है ए सी डी। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमें मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो कोण जो बी ए सी है, देखिए बी ए सी ये त्रिभुज एक है ना, ये हम यहाँ पे एक लाइन हमने लगा दी, ये जो कोण है, ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इसके सी कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, कौन से कोण है बच्चों, ये एकांतर कोण है। इसीलिए ए बी जो है वो, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसीलिए ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। इसी तरह कोण जो सी है यहाँ पे, ठीक है, वो कोण ए के क्या हो जाएगा, वो कोण ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए सी यहाँ पे क्या है, ए सी यहाँ पे कॉमन जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। उसके बाद कोण बी, अब देखिए जो त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी ये वाली त्रिभुज है, और त्रिभुज ए डी सी ये वाली त्रिभुज है, दूसरे वाली। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर, सर्वांगसम नियम से। अब ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी ये वाली जो भुजा है ए बी, ये डी सी के बराबर है, और ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इसीलिए जो कोण बी रहेगा वो किसके बराबर होगा, कोण डी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। इसलिए ये कोण जो है एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
तीसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हमने खींचे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी ये जो विकर्ण है और दूसरा विकर्ण जब हम डालेंगे तो ये पहले वाले को दो बराबर भागों में बांट देगा, और अगर हम ये वाला खींचते हैं तो ये वाला इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ये हमें यहाँ पर देखना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब ए बी जो है, देखिए यहाँ पे ए बी ये किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल है, ये समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पे हमने जब इसके विकर्ण बनाए, ये हमने विकर्ण बना लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी ये वाली त्रिभुज, बी ओ सी ये दो त्रिभुज हमें यहाँ पे मान लीजिए मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो कोण ए है और जो कोण सी है, ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो ओ ए डी, ओ ये ओ है, ओ ए डी इसके अंदर जो कोण ए है वो आपका ओ सी बी इसके जो है बराबर रहेगा, इस वाले कोण के, ठीक है। कोण ए आपका कोण सी के बराबर रहेगा, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो कोण ओ डी, ओ डी कोण ओ बी को जो है बी कोण के बराबर रहेगा। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएंगे ना, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ये क्या हो गई, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इसीलिए अब क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है ए ओ डी ये किसके बराबर हो गई, ये त्रिभुज ओ बी सी के बराबर हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो है दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इनके जो कोण हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ये कोण हमारे क्या हैं, बराबर हैं, एकांतर अंत्य कोण होने के कारण। अब देखिए आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 70 सेंटीमीटर है, तो उसकी सभी भुजाएं जो हैं वो आपको ज्ञात करनी है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से पहला जो प्रश्न है उसका आंसर करेंगे। मान लीजिए आसन भुजा आपके पास है x, ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर जो हमारे पास बहुभुज है उसमें देखिए समांतर जो चतुर्भुज है उसका क्या होगा, दो गुणा में आसन भुजाओं का योग। तो परिमाप हमें दिया गया है 70, दो, और हमने आसन भुजा एक तो मान ली है x, और एक का हमें दिया गया है जो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, इसका मान रख दिया, तो यहाँ से दो इसके नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, दो 35, 35 दूनी 70 होता है। यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया, 35 में से 20 कट जाएगा, तो क्या आ गया x का मान, x का मान हमारे पास कितना आया, x का मान हमारे पास आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है, तो सभी कोणों का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है, सभी कोण आपको यहाँ पर निकालने हैं। एक कोण दे रखा है आपको 80 डिग्री, तो देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपके पास ए कोण जो है वो कितना है, 80 डिग्री है, क्लियर है। तो मान लीजिए ए कोण, एंगल ए जो है हमारे पास 80 डिग्री है। अब ए और सी हमने अभी पीछे गतिविधि से सीखा था, ए और सी जो है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये कैसे कोण है, एक दूसरे के एकांतर कोण है, विपरीत कोण भी आप इनको कह सकते हो, एक दूसरे के विपरीत कोण है, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह हमने अभी पीछे ही सीखा है कि जो ए एंग जो कोण ए और कोण बी हैं, ये एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, जिनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कोण ए और कोण बी जो है कैसे हैं, 180 डिग्री के। यहाँ से हमारे पास कोण ए हमें पता है, तो कोण बी का मान हम निकाल लेंगे, तो 180 में से 80 आप घटा दीजिए,
180 में से 80 घटा देंगे तो कोण बी आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। अब कोण बी अगर आपके पास 100 डिग्री का है तो इसी तरह आपके सामने वाला जो इस बी के सामने वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो है आपका 80 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है सारे कोण यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपका कोण ए आ गया 80 डिग्री, कोण बी आ गया 100 डिग्री, कोण सी 180, कोण सी 80 डिग्री, और कोण डी आपका हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन। प्रश्न तीन दिया गया है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओ ए आपको, जो ये ओ ए है ये आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, और ओ बी आपको जो है ये वाली भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी जो है इसको ज्ञात करना है। तो नॉर्मली हमने वैसे भी सीखा है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो इसीलिए ये वाला तो 10 हो जाएगा और ये वाला 12 हो जाएगा। नॉर्मली जो है हम ऐसे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ से आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे कॉपी में आप करेंगे तो देखिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है क्या है, सो यहाँ से आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, इसमें देखिए ये जो है हमारे क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पर ए सी जो हमारी है, ए सी ये बी डी को ओ बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो हमें पता है कि जो ओ ए है वो किसका, ओ सी का क्या है, हाफ है। क्लियर है, तो ओ ए ये क्या है, ए सी का जो है क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ओ ए और ओ सी तो बराबर रहेंगे, ओ ए और ओ सी बराबर हैं, और ओ ए जो है ये ए सी जो है इसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा, किसका, ए सी का, ये हमें पता है। इसी तरह अगर हम देखें तो ओ बी जो है वो किसका हाफ रहेगा, बी डी का हाफ रहेगा, ये पूरी बी डी है। क्लियर है, बस इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। ओ ए हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ इंटू ए सी। ओ ए हमें दी गई है 5, हाफ इंटू ए सी, तो ए सी कितना आ गया, 5 × 2 10 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चे आप ओ बी को निकाल लेंगे। ठीक है, ओ बी हमें, ओ बी तो हमें दी गई है, बी डी हमें निकालनी है, तो ओ बी बराबर है हाफ बी डी, तो क्या हो जाएगा, 6 = हाफ बी डी, तो बी डी निकल जाएगी 6 × 2, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ से आप फिर से देख सकती हैं, यहाँ से आपको लिखना है कि ये इंटरसेक्ट करती है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ओ ए का मान रख के ए सी का मान निकाल लेना है जो कि 10 सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बी डी का मान निकाल लेना है जो कि आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।